नमस्कार दोस्तों, 9 महीने पहले सत्ता में आई गठबंधन सरकार में अब हल्की हल्की खटास शुरू हो गई है। जी हाँ जनाब, क्या पूछा आपने? क्यों? अरे वही जो बड़ी बड़ी रियासतें तबाह करने को मशहूर है, शराब। दरअसल लॉकडाउन में अवैध शराब तस्करी पर गृह मंत्री विज और डिप्टी सीएम चौटाला जी आ गए हैं आमने सामने। चलिए शुरुआत से बताते हैं आपको। दरअसल कुछ दिनों पहले हरियाणा पुलिस ने लॉकडाउन के बीच 3 करोड़ की अवैध शराब तस्करों को सोनीपत में पकड़ा था। बता दें ये मामला तब हुआ जब हरियाणा पुलिस तस्करी पर रोक लगाने को सघन अभियान चला रही थी। तो मामले की जांच हेतु गृह मंत्री ने किया SET का गठन और उनकी रिपोर्ट मानते हुए विजिलेंस जांच के ऑर्डर्स भी दे दिए और यहीं से शुरू हुई तकरार। SET की 2000 पेज की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में बड़े लेवल पर अवैध तस्करी की जा रही है और इसका कारण कुछ एक्साइज ऑफिशियल्स और पुलिस की नजरअंदाजी या मिलीभगत हो सकती है। बता दें एक्साइज विभाग के मंत्री हैं दुष्यंत जी और यही बात शायद डिप्टी सीएम जी को रास नहीं आई। उन्होंने विच पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वो बताएं उनके मंत्रालय ने वाहन चालक के खिलाफ जांच क्यों नहीं की जिसके ऊपर पहले से 14 केसेस दर्ज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मौजूदा गृह मंत्री के बारे नहीं कहते मगर SET के रिपोर्ट के अनुसार भी पुलिस की जिम्मेदारी अधिक थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाई। बता दें कुछ दिनों की बयानबाजी के बाद हमारे डिप्टी CMG ने कर दी जांच रद्द मगर मामले ने नया रुख तब ले लिया जब CM साहब ने उनके खिलाफ जाकर विच की सिफारिश मानते हुए संकेत दिए कि वो विजिलेंस जांच करवाएंगे। CM ने ये बात स्पष्ट की कि SET का गठन सरकार को मिली शिकायतों के बाद हुआ था। सरकार जो भी काम करती है वो एक तय ढांचे के तहत होता है। SET ने तय समय में रिपोर्ट देकर अपना काम किया और अब आगे की रणनीति गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधारों पर होगी। अब जब घर में कलेश चल रहा हो तो बाहर वाले तो बयानबाजी करेंगे ही। तो इसी बीच दुष्यंत जी के चाचा व इनेलो विधायक ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये सारा कांड सरकार और शराब माफिया का मिली भगत का ही है। इन्होंने लॉकडाउन में शराब की 1 करोड़ बॉटल्स अवैध रूप से बेची। उन्होंने कहा कि एक्साइज मंत्री एक्साइज और टैक्सेशन कमिश्नर्स को क्लीन चिट दे रहे हैं जो CM के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस मामले में विपक्ष भी चुप नहीं रहा। दीपेंद्र हुड्डा जी ने SET को एक ड्रामा कहा व मामले की जांच हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज से कराने की मांग की। देखते हैं खींचातानी और खटास कहां तक जाती है मगर इस बीच आपसे जुड़ी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिएगा हरियाणा मीडिया न्यूज़।